गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD आयुर्वेदा। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम उसको आगे ले जाते हुए बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 3 है, यानी कि थर्ड मोस्ट पार्ट इज़ देयर। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, टिश्यूज़ के टाइप्स जो होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स, वो एक्सप्लेन किए। उनकी फिजियोलॉजी बेसिकली हमने जानी, यानी कि बेसिक एक्शन जो है पर्टिकुलर मसल टिश्यू का, वो हमने जाना। जनरल फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम जो है उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ तक अभी हमने बात करी थी, एंड लास्ट पॉइंट में हमने बात करी थी डिफरेंस बिटवीन दिस 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ओके, दैट इज स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल के बीच में बेसिक क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने पार्ट 2 के अंदर बात कर ली। तो BMS स्टूडेंट्स को ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारी मांस धातु और वी कैन से द मस्कुलर सिस्टम, उसका एक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पे कौन सी जगह पे उसका फंक्शन जो है वो हैम्पर हो सकता है, कैसे हैम्पर हो सकता है। तो ये तभी हम जान पाएंगे जहाँ पे हम उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है वो हमें पता होगी, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो आयुर्वेद के अंदर आते हैं, ओके, वो ज़्यादातर अगर हम कंपेयर करें सभी रोगों के मुकाबले, तो ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स आर रिलेटेड टू दी मांस धातु एंड अस्थि धातु, ओके। कहीं पे भी पेन हो रहा हो, चाहे मस्कुलर हो, चाहे जॉइंट पेन हो, या चाहे बॉनी पेन हो, ओके। तो इसमें हमें ये सारी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, एंड मस्कुलर सिस्टम ऑलवेज कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम, ओके। तो उसका पूरा फंक्शनिंग जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम के स्टिम्युलेशन के आधार पे होता है, ओके। तो मांस धातु के साथ में मज्जा धातु प्लस वायु दोष जो है वो ऑलवेज अटैच्ड रहता है। तो आप जब भी कोई ऐसे पेशेंट्स देखो जहाँ पे मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड डिसीज़ है, अगर पेन से लेकर, क्रैम से लेकर, एट्रोपी से लेकर, तो आपको हमेशा वात दोष एंड साथ में मज्जा धातु को साथ में रखना होगा। उसको वैसे नज़रिए के साथ में आपको उसको एक्सप्लेन करके ट्रीट करना होगा, ओके। क्योंकि पेशेंट्स नीड्स एक्सप्लेनेशन, ओके, व्हाट इज़ द नॉर्मल फंक्शन एंड व्हाट इज़ द एबनॉर्मल वन। और अभी आप जो ट्रीट कर रहे हो कौन से बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक बेसिक मालूम होना चाहिए, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको बहुत ज़्यादा डीपर वे में ये सारी चीज़ें जाननी होगी और आपको ये पता करना ही है, मगर इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको जानना है फॉर नॉलेज पर्पज़, यू कैन डेफिनेटली, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ये बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए कि हमारी पूरी मस्कुलर सिस्टम जो है वो कैसे काम करती है। तो आज हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, ओके। हिस्टोलॉजी यानी कि हमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, माइक्रोस्कोपिकली सेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे सेल के अंदर, और मस्कुलर टिश्यू के सेल को ज़्यादातर कहा जाता है मसल फाइबर, ओके। तो मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बेसिक आइडिया लेना है। तो उसमें जो जो स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है सार्कोलेम्मा। कहीं भी आपको सार्को वर्ड अगर सुनाई देता है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इट्स रिलेटेड टू सीधा मस्कुलर सिस्टम, ओके। तो उसको सीधा कोरिलेट करना है मस्कुलर सिस्टम के साथ में, सार्कोलेम्मा, LEMMA, ओके। तो सार्कोलेम्मा का मतलब क्या होगा, इट इज़ एन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, ओके। तो मसल फाइबर का जो बाहर का कवरिंग होता है उसे कहा जाता है सार्कोलेम्मा। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद रखनी है, ये वर्ड रिलेटेड टू द मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम यूनिक है, तो आपको याद रखना है सार्कोलेम्मा। देन सेकेंड वर्ड और द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मा, ओके। प्लाज्मा से आपको पता चल जाएगा कि अगर सेल के अंदर प्लाज्मा की बात हो रही है, ओके,
तो इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोप्लाज्म. ओके, साइटो यानी सेल, साइटोप्लाज्म इन द मसल सेल इज कॉल्ड एज अ सार्कोप्लाज्म. तो मैंने बोला कि मस्कुलर सिस्टम के अंदर सार्को वर्ड जो है वो हमेशा सेल स्ट्रक्चर के रिलेटेड आएगा. ओके, तो यहाँ पे मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म. तो ये अगेन सेकेंड वर्ड जो है आपको याद रखना है. कंटेंट ऑफ सार्कोप्लाज्म, तो उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे. तो फर्स्ट थिंग इज मैनी न्यूक्लियाई, क्योंकि मसल फाइबर जो रहता है वो एलोंगेटेड रहता है, लंबा रहता है, तो इट कंटेंट मैनी न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स. ओके, ये तीन चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व की है, एक न्यूक्लियाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स. अभी यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे वो स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम. ओके, क्योंकि मसल फाइबर का एक्शन या तो फंक्शन जो है वो कैल्शियम के आधार पे ही होता है. अगर सही मात्रा में कैल्शियम अवेलेबल होगा मसल फाइबर को, देन ओनली इट एक्ट्स इन अ वेल कंडीशन. ओके, तो ये बात याद रखें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स द कैल्शियम, यानी कि स्टोरेज हाउस ऑफ द कैल्शियम वहाँ पे होता है. ओके, तो ये याद रखें, इट इज़ इन दी सार्कोप्लाज्म. ओके, ये सार्कोप्लाज्मा के अंदर ही वहाँ पे रहता है. ओके, यानी कि मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म जो लिक्विड अंदर रहता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, उसके अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रहता है. ओके, तो माइंड दिस थिंग कि कैल्शियम कहाँ पे स्टोर रहेगा. एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही स्टिमुलेंट मिलता है हमारे मसल फाइबर को, तो कैल्शियम तुरंत ही वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है. ईच स्केलेटल मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिक मायोफिलामेंट. ओके, एंड थिन मायोफिलामेंट. थिक एंड थिन मायोफिलामेंट इज अरेंज्ड इन कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज ए सार्कोमेर. ओके, सार्कोमेर, MER, SARCO, सार्को, MER, यानी कि थीन एंड थिक फिलामेंट जो अरेंज होता है एक दूसरे के साथ में, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहा जाता है सार्कोमेयर और साइकोमेयर, सार्कोमेयर. ओके, तो यहाँ पे फिलामेंट इटसेल्फ आपको पता चलेगा कि देर इज़ अ समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो वहाँ पे जनरेट होने वाला है. ओके, क्योंकि आपने अगर देखा हो ट्वेल्थ और उसमें साइंस के अंदर जो पढ़ाया जाता है, टेंथ के अंदर भी, तो वहाँ पे फिलामेंट वर्ड जो है बार बार आता है. और जनरली फिलामेंट जो होता है वो मशीन के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे जो है वो लगाया जाता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है. ओके, यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट जो होता है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है, एंड वो एक कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं, उस कंपार्टमेंट का नाम है सार्कोमेयर. ओके, सार्कोमेयर, अगेन आई एम रिपीटिंग, थिक एंड थिन फिलामेंट मिलके एक कंपार्टमेंट बनाते हैं. एक कंपार्टमेंट जो होता है तो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सार्कोमेयर. ओके, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट, ये नाम याद रखें. ओके, इन द सार्कोमेयर देर इज़ अ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट. थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स ओवरलैप ईच अदर, यानी कि ऊपर अगर देखा जाए तो थिन मायोफिलामेंट होगा, तो नीचे अगेन थिक होगा, अगेन नीचे फिर से थिक होगा, थिन एंड थिक ऐसे ऑल्टरनेटली ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर बना के एक पूरा स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट जैसा बनाएंगे. आपको यहाँ पे जो मैं अभी बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट बुक इज़ शरीर क्रिया विज्ञान, रिटन बाय द प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष रानड़े सर एंड डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आर आर देशपांडे सर. तो उसके अंदर आपको एक बहुत ही बेसिक डायग्राम दिखेगा, तो आप रिफ़र कर सकते हो. ओके, तो वो डायग्राम के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये थिक एंड थिन जो मायोफिलामेंट है वो अरेंज होते हैं. ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखें. उसके बाद में आप अगर आगे देखते हो तो अल्टरनेट अरेंज
of the thick and thick thick and thin myofilament gives the striated appearance of the skeletal muscle. Okay, तो ये जो striations आपको दिखता है वो just because of the thick and thin myofilament जो एक दूसरे के साथ overlap होता है उसकी वजह से हमें वो structure जो है वो striated दिखता है. Okay, sarcomeres are separated from each other by narrow line called Z line. Okay, तो Z line के अंदर यानी कि अगर हम एक box की तरह उसे या उसे एक कंपार्टमेंट की तरह देखें तो वहाँ पे दोनों तरफ Z line होगी और Z line के बीच में जो है वो एक striated thick and thin myofilament जो है वो एक दूसरे के साथ में overlap होंगे. Again I am repeating, sarcomere are separated from each other by narrow line called as a Z line. Okay, तो यहाँ पे जो फिलामेंट एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होते हैं और एक बंडल जैसा बनाते हैं तो वहाँ पे वो बंडल का बीच बीच में Z line के थ्रू सेपरेशन किया जाता है, यानी कि जो कंपार्टमेंट बनते हैं वो बिकॉज ऑफ Z line जो है बनाए जाते हैं. तो आपको याद रखना है कि दो ये थिक एंड थिन मायोफिलामेंट है एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होंगे और एक छोटा सा बंडल जैसा बनाएंगे और उसके दोनों की तरफ वहाँ पे Z line जो है वो आएगी, तो उसकी वजह से एक छोटा सा कंपार्टमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा. ओके, तो सार्कोमेयर अगेन द सेकेंड पॉइंट इज सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ डार्क एरिया कॉल्ड एज ए बैंड. ओके, तो जहाँ पे ये ओवरलैपिंग होती है. ओके, तो जहाँ पे ये ओवरलैपिंग होती है थिन और थिक मायोफिलामेंट की वहाँ पे जो है वो ओवरलैपिंग की वजह से डार्क शेडो जैसा एक रिफ्लेक्शन उठता है. ओके, उसकी वजह से वहाँ पे उसको डार्क एरिया कहा जाता है और उस डार्क एरिया का नाम है ए बैंड, BEBAND बैंड. ओके, एंड लाइट एरिया जहाँ पे जेड लाइन और जो थिक मायोफिलामेंट है उसके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस रह जाता है और वहाँ पे स्पेस की वजह से वो एरिया जो है वो लाइट शेडो क्रिएट करता है, उसकी वजह से उसे कहा जाता है लाइट एरिया और उस लाइट एरिया का नाम है आई बैंड. ओके, तो वहाँ पे था ए बैंड एंड यहाँ पे आई बैंड. जो डार्क एरिया है वहाँ पे ए बैंड कहा जाएगा और जो लाइट एरिया है वहाँ पे आई बैंड जो है वो कहा जाएगा. ओके, तो ये आप ध्यान रखें, जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर अगर इसे ड्रॉ करते हो तो ये आप उसे ज़रूर से एक्सप्लेन करें जो हमारी डायग्राम है उसके अंदर भी. ओके, उसके लिए आपको ये बुक रेफ़र करनी पड़ेगी, तो उसके आप एक बार देख लेना तो आपको एक इजी आइडिया जो है वो आ जाएगा. तो यहाँ पे अभी ये जो हमारे थिक एंड थिन मायोफिलामेंट है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और उसमें प्रोटीन जो है वो अलग तरीके से यूज़ किया जाता है और उस प्रोटीन का नाम होता है. तो थिक मायोफिलामेंट जो है वो दो प्रोटीन से बनी होती है, दैट इज एक्टिंग एंड सेकेंड इज अ मायोसिन. फर्स्ट वन इज अ एक्टिंग ACTIN. ओके, एक्टिंग एंड सेकेंड इज अ मायोसिन. और थिन मायोफिलामेंट जो है वो तीन प्रोटीन से बना होता है, दैट इज एक्टिन, ट्रोपोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोनिन. तो ये तीन जो है वो प्रोटीन वहाँ पे थिन मायोफिलामेंट को बनाते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. ओके, तो ये तीन प्रोटीन का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, फॉर वाइवा पर्पस. ओके, अगेन एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि हम जो सार्कोमेयर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वहाँ पे उस स्ट्रक्चर का नाम है क्रॉस ब्रिज. ओके, क्रॉस ब्रिज. तो प्रोजेक्टिंग हेड्स ऑफ मायोसिन आर कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिजिस. ओके, तो वहाँ पे मायोसिन जो है वो अभी कहाँ, मायोसिन यानी कि वो प्रोटीन कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा इन अ थिक फिलामेंट. तो थिक फिलामेंट के ऊपर ये मायोसिन प्रोटीन जो है उसका एक हेड यानी कि एक सिर जैसा प्रोजेक्शन जो है वो बाहर निकलता है और उस प्रोजेक्शन को कहा जाता है क्रॉस ब्रिज. ओके, तो क्रॉस ब्रिजिस दे कंसिस्ट ऑफ एक्टिंग एंड ATP बाइंडिंग साइट्स. दे कंसिस्ट ऑफ एक्टिंग यानी कि एक्टिन प्रोटीन जो है ACTIN, एक्टिन प्रोटीन एंड ATP बाइंडिंग साइट्स, वो वहाँ पे ATP बाइंड है, बाइंड जो है वो होता है. ओके,
फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। तो ये एक आप याद रखना है, अभी तक हमने जो जो बात की, अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, सार्कोलेम्मा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कंटेंट रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैल्शियम जो है वो स्टोर करता है। देन आगे हमने उसका थीन एंड थिक मायोफिलामिन का कंपार्टमेंट देखा, उस कंपार्टमेंट का नाम है सार्कोमियर। उसके अंदर बैंड की बात की, तो जहाँ पे डार्क एरिया जो है, या तो डार्क शेडो एरिया जो है वहाँ पे उसको कहा जाता है ए बैंड, एंड लाइट एरिया जो है वो कहा जाता है आई बैंड। और दोनों तरफ कंपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं, वो है जेड लाइन। ओके, और थिक मायोफिलामेंट जो है वो एक्टिन एंड मायोसिन से बना हुआ है, दैट इज़ प्रोटीन। एंड जो थिन मायोफिलामेंट है वो है एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ओके, और क्रॉस ब्रिज जो मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन प्रोटीन जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्टिंग हेड्स यानी कि हेड को प्रोजेक्ट करता है, और उस एरिया को कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस। और वहाँ पे एटीपी का बाइंडिंग जो है वो होता है, जिसकी वजह से मसल्स की एक्शन जो है वो शुरू होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मसल की जो एक्शन है वो अगर नर्वस सिस्टम के सेल यानी कि न्यूरॉन से स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तब तक मस्कुलर सिस्टम जो है वो एक्शन नहीं करेगी, एक्सेप्ट दी हमारा कार्डियक मसल। ओके, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है स्केलेटल मसल। अभी तक जितनी भी हमने स्ट्रक्चर और ये सारी बात की, इट्स रिलेट टू दी स्केलेटल मसल। ओके, तो स्केलेटल मसल के अंदर जो भी स्टिमुलेशन होगा या तो जो भी काम होगा, एक्शन होगा उसका, कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से होता है। और इसीलिए वहाँ पे हर एक मसल फाइबर के जगह पे आपको न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन जो है वो मिलेगा। ओके, तो ये बात बच्चे हमेशा याद रखें, स्टूडेंट्स याद रखें कि न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और द जंक्शन इन द मस्क्यूलर सिस्टम। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर टू मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटल मसल। Skeletal muscle must receive stimulus for its contraction by a motor neuron. Okay, the mind it, this is the motor neuron. Every muscle fibers receives the motor nerve fiber, yani ki motor neuron jo hai wo wahan pe har ek muscle fiber kya wahan pe neuromuscular junction jo hota hai, aur wo neuron fiber jo nerve fiber hai wo hai motor neuron hota hai. Okay, axon is the थ्रेड लाइक प्रोसेस ऑफ मोटर न्यूरॉन। अभी एक्सॉन जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन जो पार्ट है एंड पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर। ओके, तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरे नर्वस सिस्टम के लेक्चर के अंदर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आपको और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। ओके, तो एक्सॉन इज़ अ थ्रेड लाइक प्रोसेस ऑफ मोटर न्यूरॉन विच ट्रांसमिट द मोटर इम्पल्स From neurons to muscle fiber, okay? तो वहाँ पर एक्सॉन और मसल फाइबर के बीच में जंक्शन होता है, ये याद में रखें। एक्सॉन टर्मिनल यानी कि जो एंड पार्ट होता है एक्सॉन का, वो एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। When axon of motor nerve reaches the surface of muscle fiber, this axon divides into the branches, and these branches of axon of motor neuron is called as a axon terminal, okay? तो ये स्ट्रक्चर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। देन मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन जिसे कहा जाता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ मोटर एंड प्लेट। तो द रीजन ऑफ सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या है आपको याद होना चाहिए, द कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर। ओके, तो द रीजन ऑफ सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉन्टेक्ट विथ एक्सॉन टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ मोटर एंड प्लेट। यानी कि जो मोटर न्यूरॉन नर्व फाइबर जो है उसका एक्सॉन टर्मिनल एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ मोटर एंड प्लेट और द न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। ओके, तो ये क्लियर है सबको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप फिर से पूरा लेक्चर जो है यहाँ से आगे जो है वो रिपीट कर सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और अगेन आपको यहाँ पे बुक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है, तो उससे भी आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो एक्शन में आती है। ओके, तो दिस इज़ द मोटर एंड प्लेट।
neuromuscular junction consists of axon terminal of a motor neuron plus motor end plate. ओके, तो ये बात ध्यान में रखें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्लस मोटर एंड प्लेट, सॉरी मोटर न्यूरॉन प्लस मोटर एंड प्लेट इज इक्वल टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगे, दैट इज सिनेप्टिक एंड बल्ब। ओके, सिनेप्टिक एंड बल्ब, तो दीज आर द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल। सिनेप्टिक एंड बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ओके, कॉल्ड एज एसिटाइल कोलाइन और ACH इन अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये मसल्स के अंदर एसिटाइल कोलाइन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पे यूज होता है, और वो कहाँ पे रहेगा, सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर जो है वो रहता है। तो कोई भी स्टिमुलेशन मिलेगा तो उसको नर्व इम्पल्स को पास होने के लिए वहाँ पे एंड बल्ब से ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो वहाँ पे मसल्स के ऊपर एक्शन करेंगे, एंड देन ओनली दी कॉन्ट्रैक्शन विल हैपन। ओके, और मसल्स के यानी कि सार्कोलेम्मा जो होता है, एक पीट जैसा वहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है छोटा सा, तो वो सार्कोलेम्मा एंड दी सिनेप्टिक एंड बल्ब के बीच में जो एरिया जो रहता है, जो खाली स्पेस रहती है, वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा, तो उस स्पेस को कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट CLEFT। ओके, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल एंड सार्कोलेम्मा, तो ये स्पेस को कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सिनेप्टिक गटर। ओके, गटर यानी कि नाली के जैसे वो वहाँ पे रहेगा। तो द पोर्शन ऑफ सार्कोलेम्मा विच सराउंड्स द एक्सॉन टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक गटर। ओके, यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कम्प्लीटली सराउंड की वे में अगर हम देखने जाए थोड़ा सा अपर व्यू के अंदर, तो वो एक पूरी नाली के जैसा हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, और वो पूरी नाली को कहा जाता है सिनेप्टिक गटर, GUTTER। ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, वो अभी तक हमने बात की है। ओके, तो यहाँ पे नए कई सारे वर्ड्स जो है आपको याद रखने होंगे, कई सारे वर्ड्स आपके लिए ऑलरेडी नए होंगे। ओके, तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारी बेसिक थिंग्स, जेड लाइन, ए लाइन, देन डार्क बैंड, दी आई बैंड एंड दी दूसरा जो बैंड है हमारा। ओके, तो ये द क्रॉस ब्रिज, दी आई बैंड एंड ए बैंड, ये जो है वो जेड लाइन, एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सारे प्रोटीन के नेम, क्रॉस ब्रिजेस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्सॉन टर्मिनल, मोटर एंड प्लेट, सिनेप्टिक एंड बल्ब, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक गटर, ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल थिंग है जहाँ पे हमारा अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी जो है होने वाली है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ तक पता होना चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द होल थिंग कि कैसे ये हमारा एक्शन जो है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वो होता है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल रिलैक्सेशन, ये दोनों एक साथ में हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी कामली, एंड प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू योर कलीग्स, जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा उसे स्प्रेड करने की कोशिश करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ वेदिक आयु प्रोडक्शंस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।